अस्सलाम वालेकुम टेंथ आर्ट्स, आज आपको मैं लेक्चर देने जा रही हूँ, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर है और हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो किस तरह काम करता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था, उसमें कॉइल जो है वो मूव करता है और इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक बार है वो फिक्स होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक मीटर के काम करने का वही उसूल है जो इलेक्ट्रिक मोटर का है। मेन सप्लाई की गर्म तार लाइव वायर जिसको कहा जाता है मीटर के फील्ड कॉइल्स के दरमियान से गुजरती है। मेन सप्लाई वो होती है जिसमें करंट होता है। टू वायर्स हमारे घर के अंदर एंटर होती है, एक होती है लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर होती है। दोनों को न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता, वो सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाई जाती है। तो मेन सप्लाई की गर्म तार मीटर के फील्ड कॉइल्स के दरमियान से गुजरती है, यानी कि अगर डिस्क को आप देखें जो मूव कर रही थी, इसके दरमियान से ये मेन सप्लाई यानी करंट वाली वायर गुजर रही होती है, जिसे एक बड़ी रेजिस्टेंस के जरिए जोड़ा जाता है। जब घर में बिजली की कोई भी चीज़ ऑन की जाती है तो फील्ड कॉइल्स में करंट बहने लग जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इसके अंदर से करंट बहेगा तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डिस्क भी घूमेगी और कॉइल भी घूमना शुरू हो जाएगा और कॉइल घूमने लगती है। कॉइल के साथ लगे डिस्क भी मीटर के सामने से घूमती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा मीटर जब चल रहा होता है तो उसकी डिस्क ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा, यानी कि जो चीज़ आपने ऑन किए, स्पेशली एसी ऑन किया है या इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया है या इस्त्री ऑन किया, तो बहुत तेज़ी से वो डिस्क घूमेगी, क्योंकि करंट उतनी ही तेज़ी से वो यूज़ कर रहा होगा वो जो चीज़ है, तो उतनी ही तेज़ी से डिस्क घूमेगी। डिस्क के साथ मुंसलिक गेयर लगे होते हैं, गेयर होते हैं ये नंबर्स भी मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे जितने तेज़ करंट गुजरेगा उसमें से उतने जल्दी जल्दी ये नंबर भी मूव करेंगे। तो मुंसलिक गेयर भी मीटर रीडिंग को हिंसों में डायल के ऊपर जाहिर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आमतौर पर इंतहाई दाएँ जाने वाला, अगर हम बुक को पकड़ें तो हमारा दायां हाथ ये है, बुक पे उल्टा पिक्चर होती है तो दाएं तरफ ये दायां है, तो इंतहाई दाएं वाला जो हिंसा है वो 1/10 को शो करता है। ठीक है, और बाएं वाला हिंसा किलोवाट आवर्स में यूनिट्स को जाहिर करता है। आपको किलोवाट आवर्स भी मैंने समझाया है लेक्चर के अंदर, जो कि 11 लेक्चर है हमारा या 12, उसमें आपको मैंने समझाया है, तो वो किलोवाट आवर्स में रीडिंग को जाहिर करता है। ये यानी कि इलेक्ट्रिक मीटर के काम करने का उसूल है और उससे हमें पता चल जाता है हमने कितनी जो है वो यूनिट्स को सर्व कर दिया है। अब कुदरती गैस की पैमाइश भी हम करते हैं मीटर के ज़रिए करते हैं, लेकिन ये क्यूबिक मीटर में होती है। कुदरती गैस क्यूबिक मीटर के अंदर इसको पैमाइश किया जाता है। इसके काम करने का असूल क्या है कि मीटर में से गुजरते हुए गैस एक चरखी को घुमाती है। चरखी वो ये डिस्क टाइप ही होती है, वो चरखी से मुंसलिक गेयर लगे होते हैं, गेयर्स जिसके साथ ये नंबर अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक है, और वो गेयर से गुजरने वाली गैस का वॉल्यूम डायल पर जाहिर करते हैं। जब गैस गुजरती है तो वॉल्यूम जो है वो डायल पर हिंसों की सूरत में, डिजिट्स की सूरत में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। अगरचे पेट्रोल डीजल और कुदरती गैस वॉल्यूम के यूनिट में नापे जाते हैं। वॉल्यूम यानी हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ठीक है, वॉल्यूम या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, उसमें नापे जाते हैं, लेकिन ये ईंधन एनर्जी के यूनिट में नापा जाता है। लेकिन कह रहे हैं ये तो हम डीजल वगैरह लेने जाएँ, पेट्रोल लेने जाएँ, तो वो वॉल्यूम में उसको नाप के देंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये जो है कुदरती गैस वो एनर्जी के यूनिट में इसको नापते हैं। आजकल गैस के बिल जो है वो क्यूबिक मीटर के बजाय BTU पर वसूल किए जाते हैं, यानी कि ब्रिटिश यूनिट सिस्टम में इसको, ब्रिटिश थर्मल यूनिट सिस्टम में इसको नापा जाता है। आपको पेपर में BTU दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि BTU किसका मुखफ्फ है या किसकी एब्रीवेशन है, तो आप बताएंगे ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट की एब्रीवेशन है। और एक BTU किसके बराबर है, 1055 या 1055 जोल के बराबर है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करें, ये क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सवाल भी अक्सर वो दे देते हैं। राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रिसिटी मीटर और गैस मीटर। ओके, अल्लाह।